एनडीए गवर्नमेंट को बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिले। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू रॉय, आप देख रहे हैं लाइव ब्लॉग बिहार। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव ने शपथ ग्रहण करने के बाद विधानसभा के भीतर ये सवाल फिर से उठाया कि एनडीए ने जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, अगर वो एक महीने के भीतर रोजगार नहीं देती है, अगर 19 लाख रोजगार मुहैया नहीं कराती है, तो महागठबंधन को जो 1.5 करोड़ वोट मिले हैं यानी कि 1.5 करोड़ जनता के साथ वो रोड पे नजर आएंगे। आइए देखते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। बयानबाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, वो सब जानते हैं तो, लेकिन नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी जवाबदेही है कि नहीं है जनता के प्रति? जोर जबरदस्ती जैसे तैसे जो भी बने हो अब, लेकिन बन गए हैं तो जवाब तो देना उनका फर्ज बनता है। और ये तो अद्भुत है, आज हमारा शपथ है, शपथ से पहले इस्तीफा मांग रहे हैं। देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? नहीं, क्या लग रहा है जो आपत्ति दर्ज कराई है भारत और हिंदुस्तान को लेकर, कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, पहले ही दिन सदन के पहले दिन जो एआईएमएम के विधायक ने जो भारत और हिंदुस्तान किया है, सरकार चोर दरवाजे से आई है, पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया इसमें महागठबंधन की जीत हुई है, फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, हम एनडीए गवर्नमेंट को बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिले। भले ही जनता का जो जनादेश है जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। हमारी लड़ाई है, हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम पक्ष में रहते तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई ना तो समय बताया। अब जनता इंतजार नहीं करेगी। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और एक महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार अगर इन लोगों ने नहीं दिए तो जनता के साथ जन आंदोलन हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब लोग जानते हैं हम लोगों पे सवाल उठाते थे, अंतरात्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते थे, अब थोड़ी सी लाज शर्म नहीं बची। जनता ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रहकर ही रह गए, और अद्भुत है देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जो तीसरे नंबर पे जिसका मुख्यमंत्री है। यानी ये जनादेश साफ तौर पे जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया। तो हम लोग इतना भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23% से भी ज़्यादा वोटें जहाँ बीजेपी को 19% वोटें आई वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 23% वोटें आई। कितना तो आपने देखा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए 19 लाख रोजगार मुहैया नहीं कराती है
तो वो 1.5 करोड़ जनता के साथ, जो उन्हें 1.5 करोड़ वोट मिला है महागठबंधन को, उसके साथ रोड पे नजर आएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।